वल्लभा परिसर ब्यावरा में आयोजित निशुल्क उपचार चिकित्सा शिविर का शुभारंभ चिरायु मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय गोयनका और विधायक रामचंद्र दांगी ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों की उपस्थिति में किया। निशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 3,500 से अधिक रोगियों के रजिस्ट्रेशन हुए व रजिस्ट्रेशन के पश्चात परीक्षण व जाँच के उपरांत 515 गंभीर मरीजों को भोपाल रेफर किया गया, दवाएं दी और उसके बाद में करीब 500 मरीज के लगभग हमने भोपाल रेफर किया। जो गंभीर बीमारी के निकले थे, जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था, उन सबको हमने भोपाल बसों से भेज दिया है। अभी भी बसें हमारी जा रही है, करीब 12 से 14 बसें यहाँ लगभग गई है। और बच गए कुछ लोग, ऐसे बच गए जो स्वयं के वाहनों से, जिनको कपड़े नहीं लाए थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे एक दो दिन में और भी पहुँच जाएंगे। करीब 500 से ऊपर लोग वहाँ पहुँचेंगे और ये काफ़ी सफल कैंप रहा है, सभी लोग संतुष्ट रहे। एक दिन का कैंप था, करीब 250 से अधिक डॉक्टर और उनका स्टाफ भोपाल चिरायु मेडिकल का यहाँ हाजिर था और साथ ही सारी मशीनरी, सारी संसाधन, सारी जांचों के साधन जो थे, संसाधन वो सारे यहाँ लाए गए थे। तो एक बहुत अच्छा कैंप हुआ और काफ़ी दीन दुखी सभी तरह के लोग आए। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि यहाँ सभी लोगों को अच्छे से देखरेख हुई और सभी लोग जो है उनका भोपाल भेज करके उन सबका इलाज भी हो जाएगा और वो निरोगी हो जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा लक्ष्य था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ मेहनत की है। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन का, हमारे समाज सेवी संस्थाओं का और भी शासकीय संस्थाओं का, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, SDM साहब, तहसीलदार साहब, आंगनबाड़ी, ऐसे तमाम शासकीय संस्थाओं ने भी और समाज सेवी संस्थाओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे इष्ट मित्रों ने और हमारे निर्विंद्या कॉलेज के छात्रों ने, NCC के छात्रों ने, ऐसे बहुत सारे तमाम लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब ने पूरी मदद की और एक सफल और एक अच्छा ये मानव सेवा का काम हम लोगों ने किया है। और इसके लिए चिरायु मेडिकल कॉलेज वालों को भी, डॉक्टर गोयनका जी को शुक्रिया हूँ, उन्होंने यहाँ आकर के, उनकी टीम ने आकर के एक बहुत अच्छे से व्यवस्था की, अच्छे से इलाज किया। और हम लोग इनके जो भोपाल गए हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं और उनको बीच बीच में जा करके देखेंगे भी कि उनका अच्छे से इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी ध्यान रखेंगे और शीघ्र उनको ठीक करके ब्यावरा लाएंगे। हमारा ब्यावरा स्वस्थ रहेगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारी यही भावना है। धन्यवाद। विधायक रामचंद्र दांगी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों का बेहतर उपचार मेरा दायित्व है, जिनका निर्वहन करने की कोशिश है। मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।